इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 93 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। यदि आप अपनी स्पीड को लेकर के परेशान हैं, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिकार हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, गलतियों को कम करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस सुबह शाम दोनों समय चलती हैं, चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप ले सकते हैं, बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, मैंने इनकी एडवांस आउटलाइनें तैयार की हैं, इनकी बुक भी तैयार की हैं और इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, इनको आप ले सकते हैं। घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं तो pcskill.in वेबसाइट से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपको कोर्स मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। महोदय, पिछले 50-75 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी की उसकी मांग रहती है। पैराचेंज। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप इस किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण नहीं होता। खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। पैराचेंज। ऐसी व्यवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य न हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन कातने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगा। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता,
कभी-कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है। परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। फुल स्टॉप। दोस्तों ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट एंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।